जामिया तिब्बी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पर 29 डेज से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज मैं आयशी घोष को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, जिसको जो जामिया की एक स्टूडेंट है जिस पर एबीवीपी के गुंड्स ने अटैक किया है। जेएनयू की स्टूडेंट है आयशा घोष, जिस पर एबीवीपी के गुंड्स ने अटैक किया है। मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। जो लगातार यूनिवर्सिटीज पे अटैक्स हो रहे हैं, हम लोग उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स पर अटैक्स होते जा रहे हैं, जामिया में दो बार शूटिंग भी हुए, शाहीनबाग में फायरिंग हो रही है, हम सब लोग उसके खिलाफ है। और ये प्रोटेस्ट हम लोग जब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक बिल रिवोक नहीं हो जाएंगे और हिंदुस्तान की हालत बेहतर नहीं हो जाएगी। ऐसे डाल ले यार, बैठ लेना है। ले लिया, ले लिए। हम मुसलसल 29 दिन से कंटिन्यूसली यहाँ पर प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं कॉलेज आवर्स के बाद, लेकिन फिर भी हुकूमत निज़ामिया ही बोल के नहीं, हिंदुस्तान के तमाम कॉलेजेस में तमाम तबके से वाबस्ता रहने वाले लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, लेकिन हुकूमत अपने फैसले पर अटल है। हम हिंदुस्तान की अवाम, हिंदुस्तान की स्टूडेंट्स, हम हुकूमत को ये बताना चाहते हैं, जो जामिया में स्टूडेंट्स के ऊपर, एक पीएचडी स्कॉलर्स के ऊपर जो स्कॉलर अपने आंखों से जो विजन देखता है उसकी आंख पर हमला नहीं करे, वो आज हिंदुस्तान के मुस्तकबिल पर हमला करे। जिस स्टूडेंट्स को आप बैकबोन का नज़रिया देते हैं, नज़रिए से देखते हैं, उसकी हड्डी को तोड़ के आप हिंदुस्तान के स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं, यह सरासर गलत है। आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई प्लान नहीं है, आपके पास है तो सिर्फ सियासत है। हम वो सियासत को देखना नहीं चाहते। हम यहाँ पर आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ाना चाहते हैं, विजन कोई नहीं है। आप
उसको सब छोड़ के डेवलपमेंट के ऊपर आइए। हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि जब तक आप अपना काला कानून वापस नहीं लेते, हम आपके साथ ऐसे ही इसको कंटिन्यू हम जारी रखेंगे जब तक आप वो कानून वापस नहीं लेते।